मिनी किचन में विद एम्वे क्वीन यूटेंसिल, दैट इज जीरो ऑयल चिकन करी, है ना, कि कैसे बिना ऑयल के हम चिकन करी बना सकते हैं और टेस्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चिकन ले सकते हैं, 1/2 kg या 2 kg। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, टोमेटो बड़े बड़े टुकड़ों में इसको हम ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा अदरक, यस, लहसुन, साथ में 2 हरी मिर्च से, एंड देन थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, इसको भी हम मिक्सी में इसका भी ग्राइंड करके मसाला बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि चिकन को मैरिनेट कर लूँगी थोड़ा सा। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा दही, एक या आधा कप करीब आप इसमें दही ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको दही को मिलाना है आपने अच्छे से। चिकन को हम थोड़ी देर ऐसे मसाले में मिला के सूख करके रखेंगे थोड़ी देर, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा देन इसमें मैं मिला रही थोड़ा सा हल्दी पाउडर सेट, देन थोड़ा सा सूखा धनिया सेट, थोड़ा सा रेड चिली, यस, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट सेट, आप चाहें तो इसमें आधा कप नींबू भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा दही थोड़ा सा खट्टा था इसलिए मैंने इसमें नींबू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप इसमें नींबू के रस के साथ भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, सो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक हम मसाले ग्राइंड करेंगे, तब तक हम ये मसाले को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, सो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। सो हाफ कट प्याज, टू बिग पैन हरी मिर्च, ग्राइंड करने के लिए हमने डाला है प्याज कटोरी लगभग थोड़ा सा। ठीक है, उसमें मैंने डाले 2 ग्रीन चिली, लहसुन, ठीक है, और मैं डालूंगी अदरक, ठीक, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ सूखा जीरा, ठीक, उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ एक लौंग, ठीक है, और काली मिर्च, आप चाहे तो ये सारे मसाले रोस्ट भी कर सकते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, अब मैं इस सबको मिक्सी में प्योरी इसका एक मिक्सर बना लूंगी, पैन रखा है इसमें, ये कुकर है, इसमें हम ये बड़ा बर्तन है जिसमें हम बनाएंगे अभी चिकन। ठीक है, एम्वे क्वीन का एक बर्तन है, इसको मैंने सिम आँच में थोड़ी देर बर्तन को हीट होने के लिए रख दिया है। ठीक है, सो लो फ्लेम रखेंगे आप हमेशा इस चीज़ की। ठीक है, लो फ्लेम के साथ ही आप बर्तन को अच्छे से सेट कर लीजिए ताकि इसमें प्रॉपर हीट हो जाए, और इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें बनाने वाले हैं जीरो ऑयल चिकन करी। ओके, सो आर यू रेडी गाइस, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला हुआ है, देखिए ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है सर, तो मैं इसमें स्टार्ट करूँगी अब डालना। ठीक है, थोड़ी देर बर्तन को आप गर्म होने देंगे, ठीक है, ताकि इसमें प्रॉपर तरीके से हीट आ जाए, और इस बर्तन की वाइटर लॉक कैपेसिटी होने के कारण ये बर्तन बराबर अमाउंट में चारों तरफ से गर्म होता है। ठीक है, और मैं इसमें बिना ऑयल का ज़ीरो ऑयल का चिकन बनाने जा रही हूँ। मैं डालूँगी 1 कड़ी पत्ता, 1 कड़ी पत्ता, 4 लौंग फूल, ठीक है, लौंग में थोड़ा सा है जीरा और काली मिर्च के दाने, ठीक है, ये है जायफल, बड़ी इलायची, इसको मैं थोड़ा सा छील के डाल लूँगी, बड़ी इलायची इसको छील के डाला है मैंने इसको, और ये है एक दालचीनी का टुकड़ा फ्लेवर के लिए।
अगर आपको लगता है कि गैस का फ्लेम ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ी देर गैस को ऑफ कर सकते हैं, ताकि वो बर्तन का जो पैन है वो तो ऑलरेडी गर्म हो चुका है और मसाले आपके जो है ड्राई जो है हीट हो रहे हैं। ठीक है, ड्राई मसाले पक रहे हैं इसमें, तो ड्राई ये हीट हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, बर्तन पूरा गर्म हो गया है। पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च। ठीक है, इसको भी रोस्ट होने पर डालना मुझे बिकस। ठीक है, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये कटा हुआ प्याज। नहीं, ये प्याज मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ बिना ऑयल के। ठीक है, तो अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करके हम प्याज में हल्का सा नमक डाल के डाल दूँ, ताकि ये गल जाए अच्छे से बेहतर तरीके से। और मैं इसको फिर इसको ब्राउन होने तक मैं वेट करूँगी, ताकि अच्छे से प्याज जो अच्छे से भून जाए। ढक्कन लगा दूँगी, इस प्याज के ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है और इसको हमने प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया। इसमें प्याज जो है भून जाएगा वैसे अच्छे से, तब हम इसको थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे। ये देखिए, इसमें प्याज बिल्कुल भी नीचे नहीं लग रहा है और ये भून रहा है, हल्का हल्का ये ब्राउन होने वाला है। ठीक है, उसको हम दो सेकंड के लिए और भी इससे हम मिक्स होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे प्याज को। ठीक, और फिर तो आप देखिए प्याज बिल्कुल भून के रेडी हो गया है। तो अभी इसके ऊपर जो हमने मसाले ग्राइंड करे थे वो वाले मसाले डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च से, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई थी ग्राइंड करके। ये टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ मैं, इसी में मैं डालूँगी आप स्टील की कड़छी के बदले आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं वुडन का, बिकॉज बार बार ये जो है बर्तन के साथ टकराएगा तो स्क्रैच देगा आपके बर्तन को, है ना। तो मैं तो स्टील का ये यूज़ कर रही हूँ। आप अगर स्टील का यूज़ करें तो केयरफुली यूज़ करें प्लीज़, और इसके अलावा आप स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं ये देखिए मसाला पूरी तरीके से मैं मिक्सअप कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो इसी मसाले में मैं हल्का सा नमक डालूँगी, ये है नमक, हल्दी पाउडर। एक्चुअली हमने पहले से भी हमने चिकन को जो है मसाले में सोख करके रखा है, तो आप मसाला अपने आइडिया से डालें। और ये है सूखा धनिया पाउडर। ठीक है, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। और इस वाइटर लॉक बर्तन की जो कैपेसिटी है वो ये है कि बर्तन चारों तरफ से बराबर हीट देगा और मसाला प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इस पैन में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया है और बिना ऑयल के मेरे मसाले पक रहे हैं, मसाले भून रहे हैं, और इसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं मसालों में जो प्रेजेंट हैं, वो ऑलरेडी ऐसे ही एज रिमेन रहेंगे, बिकॉज उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो मसाला है वो बाहर नहीं जा रहा है ना, जो मसाला है वो इसी बर्तन के अंदर रहेगा और चिकन के साथ मिलके अच्छे से पकेगा। ठीक है, तो आप देखिए बिना ऑयल के भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से मसाले को पका लिया है, और इसको मैं थोड़े से दो सेकंड के लिए इसको ढक दूंगी, ताकि इसमें अच्छे से करेंगे। देखिए इसमें स्टीम सी आ रही है, बबल सी, है ना, ये पक गया है। इसी के बर्तनों से बेहतरीन अगर मैं बात करूँ तो क्या आप देख सकते हैं ऑयल फ्री मसाला बिल्कुल रेडी है चिकन के लिए से। सो आप देखिए ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और अच्छे से मसाला पक गया है, प्रिपेयर्ड है मसाला। ठीक है, अब ये मसालों का कलर भी बिल्कुल आप ओरिजिनल देखेंगे, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल कलर आ रहा है, जैसे मैंने मसाले डाले थे उसी कलर का है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चिकन। जो हमने मैरिनेट करके रखा था ऑलरेडी, उस चिकन को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ।
ऑलरेडी हम चिकन में भी मसाला दे चुके हैं, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। और हम इसमें नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, जो भी नेसेसरी मसाले थे हमारे, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसमें इसको पकते टाइम। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल के इसमें पानी दे के, करी के लिए जितना पानी आपको रिक्वायर्ड है, और इसमें डाल देंगे चिकन मसाला। पाँच मिनट के लिए हम इसको जो है अच्छे से स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हम थोड़ी देर बाद इसको खोल के देखेंगे 5 मिनट बाद कि इसमें कितना ये इसका कुक्ड है या अनकुक्ड है। आपको बार बार इसे बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसमें स्टीम बन जाता है तो इसका ढक्कन जो है अपने आप ही आपको स्टीम दे के साउंड आता है ढक्कन में भी, ठीक है। आप फील कर सकते हैं साउंड को, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसको हम थोड़ी देर के लिए आप लॉक कर देंगे। अब हमने इसे मिक्स कर लिया बेहतर तरीके से, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कैप लगा के, और ये स्टीम में पकता रहेगा थोड़ी देर। बेहतर तरीके से इसे पकने दीजिएगा थोड़ी देर स्टीम में। और अब जब ये इसमें स्टीम आएगी, फ्लेम आपको लो ही रखना है इसका, राइट, लो फ्लेम में रखेंगे, स्टीम में कुक होने देंगे। और जब ये कुक होगा तो ऑलरेडी ढक्कन जो है बबल करेगा और हिलेगा, ठीक है, स्टीम में, यानी कि आपकी स्टीम आएगी, बाहर स्टीम दिखेगी आपको और ये हिलेगा। तब आप इसको एक बार चला के देख लीजिएगा। तब तक के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत दूर से स्मेल आ रही थी इसकी। आफ्टर 10 मिनट्स में इसको खोल के देखा मैंने, तो ये ऑलरेडी रेडी था पूरा सा। सी कितना टेस्टी यम्मी चिकन बिल्कुल रेडी है। ऑयल फ्री चिकन है ये, बिल्कुल भी हमने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया था। देखिए कितना टेस्टी चिकन रेडी है बिल्कुल। सो थैंक यू गाइस, इस यूटेंसिल की इम्पोर्टेंस आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि ये जो यूटेंसिल है ये ऑयल फ्री खाना बनाता है। और ये जो आपको इसमें ऑयल दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली बर्तन में स्टीम देकर ये चिकन से ही ऑयल निकला हुआ है, इसी पे ये खाना पका हुआ है। और इसकी कोई भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो है बाहर आउट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लॉक था, है ना। और स्टीम में पूरा कुक्ड है ये चिकन, वेल कुकिंग है, हेल्दी कुकिंग। और मैंने इसकी करी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर का यूज़ किया था, ठीक है, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा करी दे दे मुझे चावल के साथ खाने के लिए। सो थैंक यू गाइस, ये बिल्कुल रेडी है हमारा ऑयल फ्री चिकन, टेस्टी यम्मी।